अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान, मेरे चैनल पर सभी प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहदिल से खुशामदी। आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी बिरयानी मसाला, और इस मसाले से आप हैदराबादी बिरयानी जब भी बनाइएगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। बिरयानी की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, तो बिरयानी का मसाला भी अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। हर बिरयानी का अपना एक अलग मसाला होता है बिरयानी मसाला। आप चाहेंगे एक बिरयानी मसाले से सारी बिरयानी को बना लिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मसाले का टेस्ट और जायका अलग होता है। जैसे मैं हैदराबादी बिरयानी बना रही हूँ तो उसमें मैं कोलकाता बिरयानी का मसाला नहीं ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं कोलकाता बिरयानी बना रही हूँ तो उसमें हैदराबादी मसाला यूज़ नहीं कर सकती हूँ। हर बिरयानी और मसाले का जायका अलग होता है, तो जैसे मैं बता रही हूँ प्लीज़ इसे आप अप्लाई कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी बिरयानी कैसे बना था। हैदराबादी बिरयानी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खड़े मसाले, और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर चाहिए। ये हमें बस पाउडर फॉर्म में चाहिए, बाकी सारे मसाले हमें खड़े चाहिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हैदराबादी बिरयानी मसाला बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं ली हूँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, दालचीनी 3 ग्राम है, शाहजीरा 1.5 टेबल स्पून, हरी इलायची 12 पीस, और ग्राम में देखेंगे तो ये 2 ग्राम है। हल्दी मैं बता चुकी हूँ हाफ लेना है, हाफ टी स्पून। और हमें चाहिए लौंग, 20 पीस में लौंग ली हूँ, ग्राम में देखेंगे तो ये भी 2 ग्राम है, 1 तेज़पत्ता और 2 कश्मीरी मिर्च, 7 लौंगी मिर्ची है, ये तीखी वाली मिर्ची है, 1 चक्री फूल, रोज़ पेटल्स 2 ग्राम, 1 जावित्री, पूरा फूल लेना है जावित्री का, और 1 जायफल, इसे भी हमें 1 लेना है। अगर ग्राम में देखेंगे तो ये 5 ग्राम है। और इन सारे मसालों को हमें एकदम लो फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। इसे मैं तोड़ लेती हूँ, जायफल को मैं तोड़ ली, एक तरफ मैं पैन चढ़ा दी हूँ मसाला को रोस्ट करने के लिए। और जैसे मैंने बताया बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें 2 मिनट रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तेज़पत्ता और दालचीनी को मैं तोड़ ले रही हूँ। अब इन मसालों को कंटिन्यू चलाते हुए 2 मिनट लो फ्लेम पे भून लूँगी ताकि मसाले जले ना। इसे भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। ठंडा करने के लिए हमें इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे पीस लेती हूँ। और बहुत फाइन सा पाउडर तैयार करना है, और मैं इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूंगी। मसाला यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है, देख लीजिए खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और इस मसाले से हैदराबादी बिरयानी ज़रूर बनाइएगा, जब भी बनाएगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसे एयरटाइट डब्बे में बंद करके आराम से 2 से 2.5 महीने आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी इस हैदराबादी बिरयानी मसाले की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और इस मसाले से हैदराबादी बिरयानी बनाइए, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत लजीज बनेगी। बहुत ही ईजी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और ये मसाला बहुत ही परफेक्ट मसाला है, आप ट्राई करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।